हेलो फ्रेंड्स, देखिए बायोलॉजी की सीरीज़ में हम लोग अब आगे पढ़ने जा रहे हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको कम से कम 3-4 लेक्चर में फिनिश होगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इस पर नॉर्मली बायोलॉजी के अंदर से जनरल साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि में यदि हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है इसका मतलब टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाएगा, तो हमको पैरासीटामोल दवाई दी जाएगी ताकि क्या हो सके, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल किया जा सके उससे निकलने वाले हार्मोन को। तो हमारे में ज़्यादातर जो भी रोग होते हैं ना उसके पीछे कारण होता है कि हमारे जो हार्मोन सिस्टम है उसका बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो जाने के कारण ही जो है हमें विभिन्न प्रकार के डिजीज़ रोग होते हैं। और इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ग्रंथियां जो हैं वो दो प्रकार की, ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्लैंड्स बोलेंगे, GLANDS, ग्लैंड्स। तो ग्रंथियों को इंग्लिश में ग्लैंड्स बोल रहे हैं, राइट। अब ग्रंथियां दो प्रकार की है, अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो केवल 9 है और उनमें से जो है ना हार्मोन्स निकलते हैं, और जो बहिर्स्रावी ग्रंथि हैं जिन्हें हम लोग एक्सोक्राइन बोलते हैं उनमें जो है हार्मोन नहीं निकलता, उनमें क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। तो आपको एक अंतर तो पता चल गया, हार्मोन और एंजाइम्स में अंतर क्या होता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं वो हार्मोन है और जो बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं वो एंजाइम्स हैं। अब देखिए अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी में हम लोग बहुत सारे डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर क्या होता है इस तरह के कथन आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए, राइट। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि जो है उसके खोजकर्ता जो है पहली बार जो खोजा वो थॉमस एडिसन ने बताया, और इसीलिए इनको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा गया है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो ये थॉमस एडिसन को कहा गया। अब देखिए शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय, तो देखिए यहाँ पर ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है ना इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे मैं अभी अपना लेक्चर बना रहा हूँ, आप लेक्चर को सुन रहे हो, तो हमारे शरीर में लगातार जैव रासायनिक क्रियाएँ चलती रहती हैं, शरीर में पाचन की प्रक्रिया अपने आप चल रही है, बहुत तरह के है ना बायोलॉजिकल रसायन जो है ना वो कई सारी क्रिया विधि को लगातार हमारे शरीर में संपन्न करवा रहे हैं, दिमाग तक ऊर्जा पहुंचा रहे हैं, सभी जगह रक्त के माध्यम से प्रोसेस हो रहा है। तो ये बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, उनको जो कंट्रोल करता है और समन्वय करता है, उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन करता है, उनको जो कंट्रोल करता है, यही कार्य किसका है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का, ग्लैंड्स का काम है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थ स्त्रवित करे, और तरल पदार्थ को, उस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, यदि ग्रंथि अंतःस्रावी है, अंतःस्रावी है तो निकलेगा हार्मोन, और यदि ग्रंथि बहिर्स्रावी है तो निकलेगा एंजाइम। तो ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ग्रंथि आपको क्लियर हो गया, और ग्रंथि लगातार रसायन निकालती रहती है, और ग्रंथियां दो प्रकार की होती है ना, और इनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे जो दोनों प्रकार की विशेषता बतला रही है तो उन्हें क्या बोल देंगे, मिश्रित ग्रंथि कह देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो लार है, लार जो निकल रही है ना वो बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकल रही है, स्वेद का मतलब जो पसीना है वो भी बहिर्स्रावी ग्रंथि है, लैक्टेशन जो दुग्ध निकल रहा है वो भी बहिर्स्रावी ग्रंथि है, लेकिन आप जब भी सुनते हैं थाइमोक्सिन हार्मोन निकल रहा है, जब भी आप सुनते हैं मेलानिन हार्मोन निकल रहा है ना, जब भी आप फीमेल में सुनते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, जब भी पुरुषों में सुनते हैं टेस्टोस्टेरोन है, तो ये सभी जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए ग्रंथियां बेसिकली 3 प्रकार की, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड देर आर। सबसे पहले कौन सी बात कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इनकी विशेषता देखिए, ये नलिका विहीन होती हैं, मतलब इनमें डेडिकेटेड जो है ना डक्टलेस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इन्हें डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब क्या होता है, जिनमें नलिकाएं नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रंथियां जहां लोकेटेड होती है ना, अपना रसायन जिसे हम लोग हार्मोन कहेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकाल रही हैं, हार्मोन, वो सीधा सीधा रक्त को दे देती है, और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाह करता है, और जहां पर इनको काम करना होता है ना वहां पर जो है ये अपने रसायन। और एक बात और याद रखें, अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत ही अल्प मात्रा में हार्मोन निकालती हैं, और वो अल्प मात्रा ही काफी है किसी भी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए। तो ये बात समझ में आ गई। तो एक तो क्या देख लिया हमने, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, इनसे निकलने वाले पदार्थ हार्मोन होते हैं, संख्या में ये अंतःस्रावी ग्रंथियां केवल और केवल 9 है मानव शरीर में,
और जो रासायनिक पदार्थ निकलता है उसे हार्मोन कहते हैं। और कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे पीयूष ग्रंथि है ना, पिट्यूटराइन ग्लैंड, और जो हार्मोन निकलता है पिट्यूटराइनस हार्मोन, थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है, राइट है ना। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल को ही क्या है ये किडनी के ऊपर अधिवक्र ग्रंथि भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, एग्जाम के लिए हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एड्रिनल ग्रंथि, इसको हिंदी में अधिवक्र कहते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है वो गले में है ना, थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी, और पीयूष जो है वो सबसे छोटी आकार की है ना, और ये दिमाग में पाई जाती है। देखिए दूसरा जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनमें नलिका होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए लार जो निकल रही है वो हमारा जो गला है ना नीचे वाले पार्ट, उससे लार ग्रंथि से निकल रही है। तो ये लार आ रही कहाँ पर है, फाइनली हमारे मुख में आ रही है। कैसे आ रही है, क्योंकि इसकी जो नलिका है वो मुख में निकलती है। तो नलिका है, ऐसा तो नहीं है ना कि लार पूरे शरीर में बहता है, क्यों, क्योंकि वो केवल एक डेडिकेटेड स्थान पे काम करता है। तो आपको एक और अंतर क्या क्लियर हो गया कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है ना वो जहाँ से निकलती है वहाँ काम नहीं करती, किसी और दूरस्थ अंग पर काम करती है, जबकि बहिर्स्रावी ग्रंथि जहाँ से निकलती है ना उसके आसपास वाले भाग पर ही काम करती है। जैसे लार, जैसे आँखों से निकलने वाला आंसू केवल आँख आँख में काम करेगा, पॉइंट क्लियर हो गया है ना। पसीना जो श्वेत ग्रंथि है, पसीना जो निकाल रही है, स्वेटिंग कर रही है, वो केवल जो पूरे त्वचा के भारी भारी भाग में, कभी पसीना ऐसा तो नहीं होगा स्वेटिंग शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ये संख्या में अनगिनत हैं, जबकि ये संख्या में कम है, केवल 9 ही है। तो ये अंतर चल रहा है आपके, डिफरेंस राइट। तो एंजाइम्स निकालती हैं ये ग्रंथियां, जैसे अश्रु ग्रंथि है वो लैक्राइमल ग्लैंड, तो आंखों से जो आंसू निकालने वाली ग्रंथि है ना उसे लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। आपको ने सुना होगा मैमरिक ग्लैंड जो है स्तन ग्रंथि है, जिससे ना जो है दुग्ध का स्त्रावण होता है ना, जब भी महिला जो है अपने आप प्रेगनेंसी के बाद में जब चाइल्ड हो जाएगा या चाइल्ड के होने से पहले ही ऑटोमेटिकली दुग्ध का स्त्रावण हो जाता है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दुग्ध स्त्रावण करने वाला हार्मोन, मदद करवाने वाला हार्मोन कौन सा है। अब देखिए, अब आ रही बात लार ग्रंथि, ये तो मैंने बताई दी आपको, गले के अंदर पाई जाती है ना। और इसी तरह से जो है बार्थेलिन, महिला जननांगों में, मादा जननांगों में बार्थेलिन नाम की ग्रंथि होती है। और इसी तरह से जो है एक बहिर्स्रावी ग्रंथि जो एंजाइम निकालती है वो है सिरुमिनस ग्लैंड, ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिरुमिनस जो ग्लैंड है ये हमारे कर्ण में, कान में होती है, कान में सिरुमिनस ग्लैंड है राइट। और इसके अलावा जो है श्वेत ग्रंथियाँ तो हैं, लार ग्रंथि है, और जो है यकृत जो है वो यकृत, और अपनी जो पैनक्रियाज होती है अग्नाशय, वो भी क्या है ना, अग्नाशय में तो दोनों गुण है ना, अंतःस्रावी भी और बहिर्स्रावी भी है, तो इसको मिश्रित ग्लैंड में रखेंगे क्योंकि दोनों के फीचर्स आते हैं इसमें। तो ये बात समझ में आ गई आपको, अंतःस्रावी में अंतर क्या है, बहिर्स्रावी में अंतर क्या है, कौन नलिका युक्त है, कौन नलिका विहीन है, कौन उसी जगह काम करती है तो बहिर्स्रावी, कौन दूर तक काम करती है तो अंतःस्रावी है ना। अब देखिए मिश्रित जो ग्लैंड है, इट इज़ मिक्स ऑफ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हम जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो अंतःस्रावी को पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय को हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो है बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह से काम करती है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ये सब बातें मैं आगे बताने वाला हूँ कि अग्नाशय ग्रंथि कितने प्रतिशत अंतःस्रावी की भांति व्यवहार करती है और कितने प्रतिशत बहिर्स्रावी ग्रंथि की भांति व्यवहार करती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अंडाशय जो फीमेल में होता है ओवेरी, वो भी अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की तरह से काम करती है। और वृषण जो टेस्टिस होता है जो पुरुषों में है, मेल में है ना, तो वो पुरुषों में जो अलग से अंग होता है लटका हुआ जो रहता है वो वृषण है राइट। तो देखिए ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए इस डायग्राम से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए मानव के जो मस्तिष्क है ना उसके अंदर तीन ग्रंथियां होती है, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये तो आकार में सबसे छोटी है। देखो लोकेशन यदि पता है ना तो आपको हमेशा पिक्चर के तौर पर हमेशा याद रह जाएगा कि हमारे शरीर में जो ये 9 ग्रंथियां हैं वो किस किस अलग अलग लोकेशन पे। एक यहाँ पर दे रखा है पीनियल ग्रंथि, इसको सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री भी कहते हैं, और बहुत सारी बातें हैं है ना, इसको थर्ड आई भी कहते हैं, इसको ब्रेन सेंड भी कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो सब हम लोग आगे सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। इसमें इस डायग्राम में एक और ग्रंथि नहीं दी है और उसका नाम है, मैं यहाँ पर अलग से बना के बता रहा हूँ आपको, ये जो दिमाग में मैंने तीसरी ग्रंथि बोली है ना, इसको बोलते हैं हाइपोथैलमस। वैसे जब भी मैं ब्रेन पढ़ाऊँगा, दिमाग पढ़ाऊँगा है ना, हाइपोथैलमस,
तो जब भी मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानवीय दिमाग का ही अंग है, ठीक है। और गर्दन में जो है वो दो ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो थायराइड है और पैराथायराइड है। तो पैराथायराइड तो दो जोड़ी होते हैं, कुल चार होती हैं, देखो आपको दिख रहा है चार डॉट हैं, तो दो जोड़ी है, ऊपर वाली एक जोड़ी, नीचे वाली एक जोड़ी। और थायराइड जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी में, ठीक है। अंतःस्रावी में यदि पूछना सबसे बड़ी ग्रंथि तो थायराइड आंसर देना है, लेकिन केवल ऐसा पूछे ना कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो फिर आपको याद रखना है कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्योंकि वो अंतःस्रावी नहीं, वो तो बहिर्स्रावी है, और यकृत सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का, भीतरी अंग। तो यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब देखिए जो चेस्ट है वक्षस्थल के एकदम बीचों बीच यहाँ पर थाइमस होता है जो लिम्फोसाइट, देखिए यदि आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको WBC RBC और पूरे रक्त के बारे में बताया है। आप यदि पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैंने बहुत से लेक्चर्स ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं, है ना, बहुत ही इन डेप्थ जो है आपको यहाँ पर इंटेलेक्चुअल जो है ज्ञान के झूले में झूलने का अवसर मिल रहा है। तो आप लगातार जो है ना प्लेलिस्ट को लगातार चेक करते रहे कि भाई कौन सा वीडियो पहले कोई बहुत अच्छा वीडियो आया हो, तो है ना, आप लगातार जो है ना 10-12 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जरूर देखिए। अब देखिए थाइमस ग्रंथि जो है, ये थाइमस ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि इसको बोलते हैं पैनक्रियाज, तो अग्नाशय जो है ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। और मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ जो मैंने प्रश्न पूछा था कि 98% तो ये बहिर्स्रावी की तरह से और केवल 2% अग्नाशय का भाग अंतःस्रावी की भांति व्यवहार करता है। ये सारी बातें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब आपको याद आ रहा होगा मैंने एड्रिनल बोला था कि अधिवक्र ग्रंथि, तो ये जो नीचे है ना ये किडनी है, ये नीचे वाला भाग, इसके ऊपर जो ब्लैक सा बता रखा है ये यही अधिवक्र है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ कि जैसे ये है, ये किडनी होती है इस तरह की ना, इस तरह की किडनी होती है, तो इसके ऊपर ये इस तरह से अधिवक्र ग्रंथि होती है, है ना। और अधिवक्र ग्रंथि जो है ना आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं इसको, इससे निकलने वाले हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। तो इस तरह से ये एक जोड़ी होती है, दोनों किडनी के ऊपर होती है। उसके बाद में फीमेल में क्या होता है, ओवेरी, अंडाशय, और यहीं से एग निकलता है ना, हर जो है 27-28 दिन, कईयों में 30 दिन, तो ये हमेशा एग निकलता है, है ना, अंडाणु, जो कि जनन में और गर्भ धारण करने में मदद करता है ना। और महिला में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो अंडाणु या एग ही होती है। और पुरुषों में जो टेस्टिस है ना, ये हमेशा पुरुषों में लटके हुए अलग से अंग होते हैं, क्योंकि मानव शरीर का जो टेम्परेचर है ना उस पर कभी भी जो शुक्राणु होंगे, जो स्पर्म्स होंगे, वो कभी भी जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए ये शरीर से अलग से बाहर अंग निकला होता है, ताकि क्या हो सके कि उस टेम्परेचर पे, जो नॉर्मली शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री, उसकी बजाय अंडकोश या वृषण टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो 33-34 डिग्री होता है। तो वहाँ पर जो है ना, दिस इज़ द बेस्ट टेम्परेचर फॉर स्पर्म्स, शुक्राणुओं के लिए बेस्ट है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि वृषण अलग से बाहर क्यों अंग निकला होता शरीर में। तो यह जो है जनन ग्रंथियां या ग्लैंड्स कहलाती हैं, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने यहां पर जब मैं बात करूं कि कुल कितनी ग्रंथियां, तो गिनना शुरू कर दें हम लोग, 1, 2, 3 मैंने हाइपोथैलेमस और बताई है जो दिमाग का अंग है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यदि मादा है तो 9वीं ये हो गई, और यदि पुरुष है तो 9th ये हो गई, है ना, तो 9 हो गई ना टोटल एक शरीर में। तो ये वाली बात आपको एक याद रखनी। अब देखिए सबसे पहले बात आ रही है पीयूष ग्रंथि की, पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिमाग की जो है ना, जो है इसी के कारण जो है ना समस्त अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण किया जा सकता है, नियंत्रण किया भी जाता है, और इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये मस्तिष्क के आधार में, बेस में स्थित होती है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि जो पीयूष ग्रंथि है ना वो सेलिटर्सिका गुहा में पाई जाती है, सेलिटर्सिका गुहा में, और ये एक गोल, ये देखो किस तरह से लटकी हुई होती है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो है ना इस तरह से, और ये लटकी हुई, इस तरह से लटकी हुई अवस्था में मिलती है। और ये सेलिटर्सिका गुहा, गुहा का मतलब कैविटी, तो दिमाग में एक छोटी सी खाली स्थान होता है, वहां पर ये लटकी हुई अवस्था में मिलती है। और ये स्फिनॉइड नाम की हड्डियों में के बीच में पाई जाती है, स्फिनॉइड, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये सबसे छोटी होती है और इसका आकार जो मटर के दाने के समान होता है, और लगभग ये 0.6 ग्राम, मतलब 1 ग्राम से भी कम, देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0.6 ग्राम भारी होती है, जबकि इसके रसायन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो अन्य सभी ग्रंथियों को
एक्टिवेट करने का काम। जैसे एड्रिनल ग्रंथि को एक्टिवेट करना है ना, तो दिमाग में ऊपर बैठी बैठी किडनी में पाई जाने वाली एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करती है। इसी तरह से अंडाशय, टेस्टिस है ना, और थाइमोक्सिन मतलब थाइमस ग्रंथि और जो है थायराइड ग्रंथि, इन सभी को ये ऊपर बैठे बैठे नियंत्रण करती है अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को सीधे रक्त में प्रवाह करके। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सबसे सूक्ष्मतम अंतःस्रावी ग्रंथि, ये बात मैंने बोली दी थी, सबसे छोटी है, मास्टर ग्लैंड इसे कहते ही हैं। और देखिए चार ग्रंथियों को ये सीधा सीधा नियंत्रित करती है। एक तो ओवेरी, महिला में जो ओवेरी है उसको नियंत्रित करती है। पुरुषों में जो टेस्टिस है ना, पुरुषों में जो टेस्टिस है उसको ये नियंत्रित करती है। फिर आता है थायराइड, थायराइड जो गले में सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की अंतःस्रावी, और एड्रिनल ग्रंथि को भी ये कंट्रोल करती है। तो इस तरह से ये चार ग्रंथियों को ऊपर बैठे बैठे कंट्रोल करती है। अब देखिए हार्मोन कौन सा, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन वे बायोकेमिकल्स होते हैं जो किसी चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उद्दीपन करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा, ध्यान से सुनिए, जब भी मैं बोलूँ ना ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसकी रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है ना। तो देखिए बेलिस और स्टारलिंग ने जो है खोजा था और नाम दिया था स्टारलिंग ने। तो ये बात याद रखना कि हार्मोन के खोजकर्ता कौन है और नाम किसने दिया, तो बेलिस ने खोजा और स्टारलिंग ने इसका नाम दिया। देखिए यदि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो और आपको ये लगता है कि आपके साथियों को भी इन्हें देखना चाहिए, तो प्लीज़ है ना इसके लिंक जो है ना उसको शेयर करके आप अपने साथियों को ज़रूर बताएं। और चैनल यदि सब्सक्राइब किया है ना तो आप पूरे पूरे लेक्चर को ज़रूर देखें, और डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहे, क्योंकि रेगुलर मैं 2-3-4 वीडियोज़ डालता ही रहता हूँ। तो जो हार्मोन्स हैं वो रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। कैसे, क्योंकि देखो आपको मैंने अभी बताया कि जो पीयूष ग्रंथि है वो एक तरह से मैसेज भेज रही है एड्रेनल को कि तुम एक्टिव हो जाओ। कभी भी कोई आपातकाल की सिचुएशन आती है, जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया, तो सबसे पहले ना दिमाग से हार्मोन निकलेगा और वो एड्रिनल को एक्टिवेट करेगा, और एड्रिनल जो है ना वो शरीर में बहुत तेज़ी से ग्लूकोज जो है उसको बर्न करेगी ताकि शरीर में शक्ति आ जाए। और मानव जो है ना कुत्ते से भी तेज़ दौड़ता है यदि कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में कभी इतना तेज़ नहीं दौड़ेंगे, लेकिन रियल में कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आप में अनंत ऊर्जा आ जाती है। उसके पीछे कारण क्या है, तो एड्रिनल ग्रंथि। और इसीलिए एड्रिनल ग्रंथि को आपातकाल की ग्रंथि भी कहा जाता है। अब देखिए ये रासायनिक रूप से अमीनो अम्ल, प्रोटीन, वसी अम्ल और स्टीरॉइड्स के बने होते हैं। देखिए एंजाइम्स और हार्मोन में क्या अंतर है, तो पहला अंतर तो हमने क्या पढ़ा था कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं जबकि एंजाइम बहिर्स्रावी ग्रंथि से, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। दूसरा अंतर क्या है, एंजाइम्स केवल और केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं जबकि जो हार्मोन्स हैं उनमें एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। वैसे एमिनो एसिड जो है ना उसका मूलभूत अंग है प्रोटीन बनने का। इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं, वसी अम्ल भी पाए जाते हैं और स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल। आपको पता होगा स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, जब भी किसी खेल में किसी खिलाड़ी को बहुत तेज रूप से लग जाती है और उसका कोई इलाज नहीं है तो उसको जल्दी से रिकवर करने के लिए उसको ना स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसमें ना बहुत ज़्यादा जो है ना आसानी से डाइल्यूट नहीं होते शरीर में, और इसीलिए वो शरीर से ना मोटा हो जाता है यदि व्यक्ति को स्टेरॉइड्स वगैरह के इंजेक्शन देते हैं। तो स्टेरॉइड्स जो एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, राइट। तो स्टेरॉइड्स जो है उसकी प्रकृति भी होती है। तो ये बात याद रहेगी आपको कि हार्मोन का मतलब एक्चुअल बना किससे बनते हैं, ठीक है। हार्मोन क्रिया के उपरांत नष्ट हो जाते हैं, जब क्रिया हो जाएगी तो ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, है ना। और ये तो मैंने बताया था कि अपना प्रभाव दूरस्थ अंग को, है ना, इसका मतलब डिस्टेंट ऑर्डर में जो है ना बहुत दूर है वहां पर ये अंग काम करते हैं, ठीक है। देखिए पीयूष ग्रंथि जो है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो कुल स्रवित हार्मोन है वो कितने हैं, 9। तो ये अलग अलग 9 हार्मोन निकाल के अलग अलग अंगों को कंट्रोल करती है। तो देखिए ये जो आपको समझ में आएगा ना, तो पीयूष का आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हेड मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, हेड मास्टर ग्लैंड, है ना। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिस एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस बायोलॉजी, और इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले बात आ रही है ऑक्सीटोसिन की,
देखिए एक एक क्वेश्चन जो पॉइंट लाइन किया हुआ है ना, सब एग्जाम में आया हुआ है। किसे लव हार्मोन कहते हैं? तो इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, प्यार का हार्मोन, क्योंकि ये गर्भ में है ना, गर्भ में ये मदद करता है। और इसी हार्मोन की कमी के कारण गर्भपात भी हो सकता है। गर्भपात का मतलब है ना, गर्भपात का मतलब है कि जो गर्भ धारण किया है वो कैंसिल हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। इसी को प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी कहते हैं। जिस समय प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है कि जब बच्चा जो पेडेट्रिशियन होता है, पेडेट्रिशियन कौन होता है, बच्चे की ध्यान मतलब छोटे बच्चे का जो इलाज करता है वो पेडेट्रिशियन, और एक होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन जो डॉक्टर है वो गर्भ से जो बच्चा जो बाहर आ रहा है उसको जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस करता है वो ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाता है, राइट। तो जब बच्चा बाहर आता है नॉर्मली जो है वो हेड, सिर उसका बाहर आता है सबसे पहले, है ना, नॉर्मली यही बेस्ट तरीका होता है। तो जब सिर बाहर आता है तो उस समय महिला को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है ना, और यह पेन लगभग उतना ही बराबर है जैसे 3 या 4 या 5 हड्डियां एक साथ टूट जाएं। और इसके लिए ना रिसर्च हुआ है तो उससे पता चला कि कितना दर्द होता है। लेकिन महिलाओं में ये दर्द इतना उनको महसूस क्यों नहीं हो पाता, ये कम क्यों हो जाता है, क्योंकि इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो है ना वो उसको झेल लेते हैं, है ना, आसानी से। तो ये प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी कहता है, और इसीलिए महिलाओं में इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, क्योंकि क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव पीड़ा का हार्मोन कहते हैं और ये प्रसव पीड़ा को कम करता है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं, गर्भपात का हार्मोन भी कहते हैं, प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी कहते हैं, है ना। और इसी के कारण दुग्ध का निष्कासन भी शुरू होता है। जब बच्चा जो हो जाता है, चाइल्ड हो जाता है, तो उसके बाद जो है दुग्ध एक्सक्रीशन भी यहीं से शुरू होता है, इसी हार्मोन के कारण। गाय भैंस में जब दुग्ध नहीं निकल रहा होता तो उनको क्या लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन याद रखना कि जब उनकी गाय भैंसों में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए स्टिलबेस्ट्रल, याद रखना, स्टिलबेस्ट्रल के टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन। तो याद रहेगा आपको, ऑक्सीटोसिन जब दुग्ध नहीं निकल रहा है और स्टिलबेस्ट्रल जब दुग्ध की मात्रा को बढ़ाना है तो ये जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो अभी तक हमने पीयूष ग्रंथि का पहला हार्मोन देखा है, अब बात कर रहे हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, इसे मदर हार्मोन भी कहते हैं और लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि गर्भवती महिला के स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण करना शुरू कर देता है। देखिए ऑक्सीटोसिन दुग्ध के पहली बार निष्कासन में मदद करता है, लेकिन लगातार दुग्ध बनता रहे इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, एग्जाम में वो कई बार पूछा हुआ है। तो दुग्ध संश्लेषण हार्मोन भी इसे कहते हैं। दुग्ध संश्लेषण का मतलब, देखिए संश्लेषण जब भी शब्द आ जाए ना, सिंथेसिस मतलब क्या होता है, निर्माण। तो याद रखना हिंदी में ये बहुत सिंपल सा शब्द होते हैं, तो संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण या सिंथेसिस, राइट। अब देखिए अगला जो आ रहा है वो आ रहा है पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और इसको बोलते हैं सोमेट्रोट्रोपिन हार्मोन। इसी के कारण जो बच्चे होते हैं कई बार भीमकाय हो जाते हैं, कई बार ना बौने हो जाते हैं, ड्वार्फिज्म हो जाता है उनमें, तो ये किसके कारण होता है, सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन के कारण। तो देखिए है ना, सोमेट्रोट्रोपिक, एसटीएच का मतलब क्या है, सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन। सोमेट्रो का मतलब ही क्या होता है, सोमेट्रो का मतलब ही शरीर, और ट्रोपिक का मतलब बढ़ने से, ठीक है। तो यदि ये एसटीएच जो सोमेट्रोट्रोपिक ट्रोपिन हार्मोन है ये कम हो जाएगा तो बौनापन हो जाएगा, बच्चा जो है बहुत कद काठी में छोटा हो जाएगा। और यदि कभी किसी बच्चे में, जैसे आपने देखा होगा कई बार है ना, बच्चे 12 13 14 15 16 साल तक हो जाते हैं ना, तब भी उनकी हाइट कम होती है, और अचानक से ये उनके शरीर में हार्मोन बन जाता है और उनकी हाइट है ना एकदम से बढ़ जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो समझ में आ गया। इसके बाद में आ रहा है LH, इससे पहले हमने क्या देखा था, STH, है ना, सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन। अब है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग। देखिए ल्यूटिनाइजिंग किससे रिलेटेड है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, जिसको मेल हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन भी कहते हैं, और इसी के कारण पुरुषों में जो है ना वो है ना, पुरुषों में जो है जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, जो सेकेंडरी फीचर्स हैं, जैसे कि आवाज़ का भारी होना है ना, शरीर पर बाल आ जाना है ना, दाढ़ी मूछ का हो जाना, और पुरुषत्व के जो गुण आते हैं वो किसके किसके वृद्धि से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब पुरुष में ज़्यादा हो जाता है। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करने के लिए, और महिलाओं में जो ओव्यूल है, जो एग है,
ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, अंडे को निकालने की जो प्रक्रिया है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो महिला में जो एग निकलता है वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो ये आप मुझे ज़रूर बताइए। और महिला में जो अंडा निर्माण करने की, जो एग निर्माण करने की जो ग्रंथि है वो कितनी होती है, है ना, कितनी, है ना, जोड़ी, एक जोड़ी होती है, याद रखना दो होती है टोटल, ठीक है। तो ये अंडोत्सर्ग वाला। अब देखिए एक और पॉइंट आ रहा है, गर्भ निरोधक गोलियां, आपने सुना होगा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना, आपने जैसे कई बार ये भी सुना होगा आई पिल्स वगैरह के बारे में सुना होगा कि 72 आवर्स के लिए होती हैं ये आई पिल्स वगैरह। तो उसमें क्या होता है, यदि गर्भ धारण हो भी जाए तो 72 आवर्स के अंदर यदि इन टैबलेट्स को ले लिया जाता है, है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं इनको, OCP, यदि ये टैबलेट ले ली जाती है तो कभी भी महिला यदि निषेचन प्रक्रिया हो भी गई, है ना, सेक्सुअली डिस्कोर्स हुआ भी है, तो उसके बावजूद भी क्या है, गर्भ धारण नहीं होगा, है ना, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से क्या हो जाएगा, है ना। आई पिल्स बहुत कॉमनली जो है आपने देखा होगा और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते भी रहते हैं, ठीक है। तो हार्मोन को भी संदम्बित करती है, मतलब, है ना, ये जो है ना इसको भी ये नियंत्रित करती है, ठीक है, ओरल को ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को भी। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है FSH, तो आपको ये बात समझ में आ गया, LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग को याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग जो है फीमेल की जो ग्रेफियन पुट्टिका होती है ना, वहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग प्लेस होती है, तो वहाँ से एग निकलता है, राइट। अब आ रहा है बात FSH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है, पहले वाला जो था वो क्या था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा था, FSH क्या कर रहा है, पुरुषों में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करेगा। देखिए स्पर्म्स जो है ना वो ही जिम्मेदार होते हैं जो है जनन प्रोसेस में, और शुक्राणुओं के कारण ही जो है ना गर्भ धारण होता है महिला का। तो शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि शुक्राणुओं का निकलना, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, इन्हें स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म का निकलना और अंडाणु का निकलना, है ना, ओव्यूलेशन प्रोसेस में तो क्या है, अंडोत्सर्ग, मतलब अभी एग का बाहर निकलने का प्रोसेस है, और जबकि अंडाणु का निर्माण जो है, देखिए एक तो बाहर निकलना और एक अंडाणु बन रहा है, तो अंडाणु के बनने का और शुक्राणु के निर्माण का प्रोसेस जो है वो किसके कारण होता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण। अच्छा ये अब हम लोग कौन से पे आ चुके, फिफ्थ, ये पांचवा भी कुछ से रिलेटेड है, पीयूष ग्रंथि ऊपर बैठी बैठी नियंत्रित कर रही है और नीचे रक्त के माध्यम से वहाँ पहुँच जाता है अपने आप, है ना, और इस तरह से क्या होता है, देखिए आप सोचिए ये प्रक्रिया स्वतः चल रही है, हमें पता ही नहीं है कि कब कौन सा हार्मोन निकल रहा है अंदर ही अंदर, और जो भी प्रक्रिया इनवॉलेंटरी फंक्शन है, अनैच्छिक क्रियाएं, उन सभी का दिमाग में मेड्यूला ऑब्लागेटा जो है, दिमाग का जो एक अंग है वो नियंत्रित करता है उनको। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अंडोजनन, है ना, अंडे का जनन जो है वो ऊजेनेसिस, OOGENESIS, ठीक है, और अंडाणु का जो अध्ययन होता है वो ऊलॉजी कहलाता है, अंडाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऊलॉजी। तो ये पांच प्रकार के हार्मोन जो है कौन निकालती है, पीयूष ग्रंथि। फिर आ रहा है ADH, ये ADH बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ADH जो है इसी को हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आपने कई बार सुना होगा कि जो डाययूरेटिक पदार्थ होते हैं, जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डाययूरेटिक जो पदार्थ है मटीरियल, उनमें उनका एक एग्जाम्पल होता है, तो डाययूरेटिक मटीरियल कौन से होते हैं, जैसे कॉफ़ी, टी, चाय, जैसे अल्कोहल, जैसे यदि हम लोग, है ना, गन्ने का रस पी रहे हैं, तो ये सभी डाययूरेटिक पदार्थ हैं। इनके कारण जो है ना मानव में मूत्र की मात्रा बहुत ज़्यादा बनती है, किसके कारण, अधिक शराब पीने से, अधिक चाय पीने से, अधिक ग्लूकोज के खाने से, अधिक कॉफ़ी पीने से और अधिक गन्ने का रस पीने से क्या होता है, हमें जो है मूत्र ज़्यादा निकलता है, और इसीलिए इन पदार्थों को डाययूरेटिक पदार्थ कहते हैं। एंटी डाययूरेटिक का मतलब क्या है, कि मूत्र का निष्कासन कम होगा। तो आप एक छोटी सी बात सोचिए कि यदि ADH हार्मोन बढ़ रहा है तो ये क्या है, एंटी डाययूरेटिक है, तो ADH बढ़ेगा तो मूत्र निष्कासन कम होगा, और ADH यदि घटेगा तो एंटी के बजाय अपोजिट, तो मूत्र का निर्माण क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसके भी शरीर में ADH की मात्रा कम हो जाती है तो वो उसके शरीर से बहुत ज़्यादा मूत्र निकलता है। देखिए अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि शरीर में से मूत्र की मात्रा ज़्यादा निकलेगी तो हमारी जो किडनी है ना उनमें ये
प्रोसेस नहीं है कि वो ग्लूकोज को वापस से रक्त में भेज दें, जैसे रक्त कोशिकाएं तो वापस शरीर में चली जाती हैं, पानी बाहर निकल जाता है और पानी के साथ ग्लूकोज भी आ जाता है। तो जब पानी के साथ ग्लूकोज भी आ जाएगा तो ये जो ऊर्जा है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऊर्जा है ग्लूकोज के रूप में, वो भी मूत्र के साथ बहुत ज़्यादा मूत्र निकला, ग्लूकोज भी ज़्यादा निकल गया। ज़्यादा ग्लूकोज निकला तो अनावश्यक फालतू में ही हमारी ऊर्जा खत्म हो रही है, तो इसलिए क्या होता है आदमी को एक प्रकार का डायबिटीज़ हो जाता है। तो डायबिटीज़ क्या होता है आपको एकदम क्लियर है, मूत्र से यदि ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज निकल रहा है या किसी को बहुत ज़्यादा मूत्र आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ ग्लूकोज निकल रहा है, तो इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। पॉइंट क्लियर है, डायबिटीज़ यही होता है ना, जिसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है और आदमी बहुत दुबला पतला हो जाता है। और जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है ना, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, उसमें चीड़फाड़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिसको डायबिटीज़ होता है उसका जो है ना ब्लड क्लॉट नहीं जम पाता, उसका है ना खून का थक्का नहीं जम पाता, जब खून का थक्का ही नहीं जम पाएगा तो ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें अपनी गलत आदतों को, ज़्यादा मात्रा में शक्कर खाना है ना, ज़्यादा मात्रा में व्यसन अल्कोहल वगैरह लेना, इनसे क्या होता है ये सब डायूरेटिक पदार्थ हैं और इसके कारण क्या हो जाएगा, मूत्र जो है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, कल को कोई भविष्य में ऐसा कुछ हो गया है ना जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया तो ऑपरेशन भी नहीं हो पाते। इसीलिए डायबिटीज़ रोगियों को देख लीजिए आप, COVID-19 में भी डायबिटीज़ के रोगी सबसे ज़्यादा मर रहे हैं, तो आप ये भी देख लीजिए है ना। शरीर में जल का संरक्षण, तो शरीर में जल का संरक्षण रहता है, तो ये बात समझ में आ गई। एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या है कि ये यूरिया को नहीं निकलने देंगे, कम निकलने देंगे, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है, वैसोप्रेसिन, इसका अन्य नाम है, राइट। अब आगे चलते हैं, देखिए तो ये जो हार्मोन है ना, ये रक्त दाब का नियमन करता है। देखिए एक बात मैं और बहुत शानदार बताता हूँ, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि मानव शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण कौन सा अंग करता है ना, ब्लड प्रेशर का, हार्ट, किडनी, ब्रेन या फिर लिवर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने हर्ट आंसर दिया, लेकिन याद रखना रक्त दाब का नियंत्रण किडनी के द्वारा होता है, क्योंकि किडनी जो है ना ये ADH हार्मोन के माध्यम से रक्त दाब को नियंत्रित करती है, और एक और एड्रिनल ग्रंथि के माध्यम से, एड्रिनल जो हार्मोन है ना उसके माध्यम से भी रक्त दाब को नियंत्रित करती है। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, ADH की कमी हो जाएगी तो NT की बजाय क्या होगा, उसको मूत्र ज़्यादा बनेगा, जब मूत्र ज़्यादा बनेगा तो उसके पेशाब में से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा निकलेगा, और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा निकलेगा तो इस प्रकार के डायबिटीज़ को डायबिटीज़ इंसिपीड्स कहते हैं। ये डायबिटीज़ भी बहुत प्रकार के हैं, तो ये डायबिटीज़ इंसिपीड जो केस है वो जो है ADH हार्मोन की कमी से, या कह लो वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए सोडियम की वजह से रक्त दाब का नियमन कौन करता है, सोडियम की वजह से, सोडियम की हेल्प से वैसोप्रेसिन जो है ना ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो ये क्वेश्चन आता है रक्त दाब में कौन सा एलिमेंट तत्व मदद करता है, तो याद रखना सोडियम, और हार्मोन कौन सा, वैसोप्रेसिन, और कभी पूछ ले तो एड्रिनल हार्मोन भी बिल्कुल करता है ना। गुर्दे जल और सोडियम का पुनरावशोषण, मतलब गुर्दे क्या करते हैं, जो आवश्यक जल है ना, जितनी आवश्यकता है शरीर को जल की, वो वापस से हमारे शरीर में दे देते हैं, और सोडियम को भी, तो ये बात याद रखना। तो हमने अब तक जो है 6 हार्मोन्स अलग अलग पढ़ लिए हैं, जो कौन निकाल रही है, पीयूष ग्रंथि। अब आ रहा है 7वां हार्मोन। देखिए आपको लग रहा होगा इतने हार्मोन थोड़ी पढ़ने होते हैं, तो ये 7, 8, 9 हार्मोन केवल पीयूष में, बाकी सब में तो एक दो ही प्रकार के हार्मोन होंगे। तो ये शुरुआती लेक्चर है, इसलिए मैं आपको इन डेप्थ एकदम ज्ञान बता रहा हूँ सारा, है ना। तो आगे जो है सभी ग्रंथियाँ जो है ना, 9 ग्रंथियाँ जो, उनमें एक दो ही हार्मोन्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, मैं बता रहा हूँ आपको कि आगे 3-4 लेक्चर जो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप ज़रूर अपने साथियों में शेयर करेंगे, है ना। और इंग्लिश वगैरह से वोकैबुलरी वगैरह भी सारे के सारे लेक्चर्स तैयार हो रहे हैं, आप ज़रूर जो अपने साथियों में उनको शेयर करें, है ना। कमेंट जरूर करा करें, और कुछ अच्छे कमेंट्स करा करो कि हाँ वी आर एंजॉइंग द लेक्चर एटसेट्रा, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड, है ना। TSH जो है थायराइड प्रेरक हार्मोन। अब एक हार्मोन कौन सा होगा पीयूष में, क्योंकि हमने बताया था थायराइड को भी जो है कंट्रोल करता है थायराइड ग्रंथि के ऊपर, तो थायराइड को उद्दीपित करता है, मतलब क्या है कि स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। थायराइड में से थायराइडरोक्सिन हार्मोन निकलवाना है तो ये क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। एक है ACTH, मतलब एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। अब ये यहाँ पर एड्रिनो जैसी वर्ड आया तो एड्रिनल ग्रंथि, और एड्रिनल ग्रंथि किस पर है, किडनी के ऊपर, अधिवक्र ग्रंथि, तो एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो ये एड्रिनल जो हार्मोन है उसको निकालने में मदद करता है। और लास्ट और ये इंपॉर्टेंट है MSH, इसको बोलते हैं मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तो ये जो मिलेटनासाइट जो पीनियल ग्रंथि है ना, हमने बोला था सिक्स सेंस की ग्रंथि, जिसे ब्रेन सैंड भी, दिमाग की रेत भी कहते हैं, और इसे छठी इंद्री भी कहते हैं, है ना, तीसरी आँख भी कहते हैं मानव शरीर की, तो इसमें से एक हार्मोन निकलता है मिलेटोनिन हार्मोन। तो मिलेटोनिन हार्मोन को ये स्त्रवित करवाने में, उसकी उत्पत्ति करने में ये मदद करती है। तो इस तरह से आपको नौ हार्मोन समझ में आ गए होंगे, एक बार जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले हमने ऑक्सीटोसिन देखा, इसके ऊपर ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर आया प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि जो है ना मादा के अंदर लगातार दुग्ध निकालने में मदद करेगा, है ना। इसके बाद में आया ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, है ना, जो कि शरीर की भीमकायता और है ना और जिग्नोटिज्म के ऊपर, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये समझ में आ ही गया होगा आपको, टेस्टोस्टेरोन से संबंधित ल्यूटिनाइजिंग। FSH जो है वो अंडाणु और शुक्राणु को निकालने में मदद करता है, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पुरुष में और महिलाओं में ओव्यूलेशन एग को निकालने में मदद करता है। इसके बाद में ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो वैसोप्रेसिन है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया सारा कि इसके कारण डायबिटीज़ हो सकता है यदि ये कम निकलेगा, तो ये सारी बातें आपको मैंने समझा दी है। फिर आया TSH, इसका मतलब थायराइड को एक्टिवेट करेगा, ये जो है एड्रिनल ग्रंथि को, एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और ये MSH जो है मिलेटोनिन हार्मोन को एक्टिवेट करेगा। अब आ रही है बात थायराइड ग्रंथि की, तो हम लोग लास्ट केवल है ना इसी लेक्चर को पढ़ने वाले थायराइड ग्रंथि को, है ना, उसके बाद आगे वाले सेक्शन को हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए थायराइड ग्रंथि जो है ना वो गले में स्थित होती है। देखिए मेरे को लग रहा है कि शायद इसमें ना आपको पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि नहीं दिया हुआ है, तो इसको जो है मैं, ये जो पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद में पीनियल और हाइपोथैलेमस, इनको दोनों के जो भी बातें हैं उन सभी का समावेश मैं आपको लास्ट लेक्चर में दे दूंगा, जो इसका चौथा लेक्चर होगा, है ना। कुल ये चार लेक्चर्स में फिनिश होगा ये लेक्चर अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित। थायराइड ग्रंथि को अवटू ग्रंथि भी कहते हैं, और ये श्वास नली के दोनों तरफ होती है। देखो श्वास नली ये है, है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मानव है उसमें जो आवाज़ निकल रही है वो कौन से अंग से निकलती है, और जो पक्षी आवाज़ करते हैं वो किससे निकलता है, ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, शायद ये आगे आ भी जाएगा कहीं ना कहीं। तो जो वोकल कॉर्ड है उसके नीचे जो है ना ये इस तरह से है, और दिख रहा होगा आपको, ये कैसी दिख रही है, एक H बना हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए इसको H शेप्ड ग्रंथि कहते हैं, और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, राइट। श्वास नली में जब सूजन आ जाती है ना तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, क्योंकि गले से जो ब्रोंकियोल्स जा रहे हैं ना, ब्रोंकियोल्स, तो वो उसमें सूजन आ जाने को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस रोग कहते हैं। तो देखो ये आ भी गया। मनुष्य में जो आवाज़ आती है कंठ में वो लैरिंग्स है, और पक्षियों में जो आवाज़ आती है उसको क्या बोलते हैं, सिरिंग्स या सेरिंग्स, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि क्या है, ये सबसे बड़े आकार की ग्रंथि है, एच शेप्ड की ग्रंथि है, मैंने आपको बता ही दिया। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो कैल्सीटोनिन है और दूसरा थायरोक्सिन हार्मोन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन की। तो कैल्सीटोनिन में आपको नाम से ही दिख रहा है कि इसमें कौन है, कैल्शियम। तो कैल्सीटोनिन है ना रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, देखो एरो नीचे बना हुआ है, कम करता है। जबकि जो विटामिन डी है, आपको पता होगा विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी जो है जब भी हम धूप में खड़े होते हैं तो आपको पता है कि जो कुछ पराबैंगनी किरणें धरती पर आती हैं धरातल पे, जो ओजोन लेयर है ना वो सूर्य से आने वाली 93% जो पराबैंगनी किरणें उनको तो परावर्तित कर देता है, लेकिन लगभग 7% जो पराबैंगनी किरणें वो धरातल पे आ जाती हैं। यह इस केस में जब हम सूर्य के सामने दिन में खड़े होते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद कोलेस्टेरॉल, जो कि बैड ऑयल होता है, वो कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी में तब्दील हो जाता है। तो इसीलिए सूर्य के सामने खड़े रहने से हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी कैल्शियम की मात्रा को रक्त में बढ़ाता है, है ना। और कैल्सीटोनिन इसका उल्टा काम करता है, ये कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, विटामिन डी कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए यह विटामिन डी के एंटी काम करता है, इसीलिए इसको एंटी विटामिन डी भी कहते हैं। और देखिए आपने अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में क्या पढ़ा, कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन निकालती हैं और ये पूरे रक्त में प्रवाह होती हैं।
तो उसी प्रकार विटामिन डी भी क्या करता है, पूरे रक्त में प्रवाह हो रहा है ना, जब विटामिन डी का निर्माण होगा तो पूरे शरीर में प्रवाह होगा, तो इसीलिए विटामिन डी को एक प्रकार का हार्मोन भी कहते हैं। तो आपसे कभी पूछा जाए ना किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं, राइट, ये बातें याद रखना। और कैल्शियम की मात्रा को कौन कम करता है, गले में स्थित मौजूद थायराइड ग्रंथि कैल्शियम की मात्रा को कम करती है, तो इसीलिए इसको एंटी विटामिन डी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है ना। तो ये तीन पॉइंट्स कैल्सिटोनिन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। थायराइड ग्रंथि से जो है ना सी सेल भी निकलती है ना, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स भी निकलती है। तो लेकिन देखिए ये इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप ये तीन पॉइंट जरूर याद रखेंगे इसमें। अब देखिए दूसरा जो हार्मोन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थायरोक्सिन हार्मोन। आपने सुना होगा कि जो है ना फीमेल्स में एक दिक्कत होती है कि वो थायराइड्स की गोलियां लेती रहती हैं, है ना, सुबह सुबह खाली पेट थायराइड की गोली लेनी होती है उनको कई बार। उसके पीछे कारण क्या है, मानव शरीर में जो ये शरीर चल रहा है ना वो उपापचयी क्रियाओं के कारण चल रहा है। उपापचयी क्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। कुल मिलाकर मैं आपको सामान्य शब्दों में बताऊं तो मेटाबॉलिज्म वही है जिसके कारण ये जो दैनिक जैव रासायनिक क्रियाएं लगातार अपने आप प्रोसेस कर रही है। कुछ लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उनके शरीर में जो है ये मेटाबॉलिज्म बिल्कुल कम होने वाला है, खत्म हो जाता है, और फिर क्या होता है, इसीलिए उनको तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो मानव शरीर को अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है तो एक शेड्यूल लाइफ है ना, कम सोना, लिमिटेड सोना और एक्सरसाइज प्रॉपर करना, तो यही क्या है मेटाबॉलिज्म को अच्छा बना सकता है, जो कि जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन जो है ना इसके अंदर आयोडीन तत्व होता है, तो थायरोक्सिन में दो प्रकार के देखिए, एक तो T3 है ना, T3 थायरोक्सिन होता है, एक T4। तो देखिए T3 तो क्या करता है, रक्त में सक्रिय रूप से पाया जाता है एक्टिव फॉर्म में, जबकि T4 क्या है, रक्त में पैसिव फॉर्म में निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। और जब भी थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो अपने आप हृदय दर बढ़ जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ये दर बढ़ जाएगी। और इसीलिए जब भी आप देखते हैं जिनको थायराइड ज़्यादा होता है उनकी हृदय की धड़कन कम होती है, उनको ब्लड प्रेशर कम होता है, उनके शरीर मोटे होते हैं। तो याद रखना जिनको थायराइड की कमी हो जाती है तो उनके शरीर हमेशा मोटे होते हैं, क्योंकि उनमें उपापचयी क्रिया नहीं हो पा रही है और इसलिए शरीर में फैट लगातार बढ़ता जा रहा है। जिनमें थायराइड ज़्यादा होता है उनके शरीर में क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया तेजी से काम कर रही है, शरीर में जो ऊर्जा है वो तेजी से बर्न हो रहा है, तो वो जो कुछ भी खाते हैं ना बहुत तेजी से काम करते हैं, जो कुछ खाते हैं उसका पाचन तेजी से होता है, और फाइनली क्या उनका शरीर बहुत दुबला पतला रहता है। तो याद रखना जिनको थायराइड कम है उनके शरीर मोटे, उनका ब्लड प्रेशर कम, हृदय की धड़कन कम चलेगी, और जिनके थायराइड ज़्यादा है उनके शरीर में हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा और शरीर दुबला पतला होता है। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये हृदय की धड़कन की दर को बढ़ाता है और इसका जो कार्य है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म है ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट है BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को ही क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। बेसिक मेटाबॉलिज्म समझ गए आप कि लगातार जो अपने आप ये जैव रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में चल रही है, दैट इज व्हाट बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अर्थात यह शरीर में वसा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निकालता है, क्योंकि ये बर्निंग प्रोसेस जो लगातार शरीर में चल रहा है, बर्निंग प्रोसेस का मतलब है कि जो ATP का निर्माण हो रहा है, इन सभी को है ना मदद करता है। वहीं पर यदि मैं ना किसी एक टेडपोल की बात करूं, टेडपोल होती है ना जो मेंढक होता है, टेडपोल से वो बड़े मेंढक बन जाते हैं, तो यही ग्रंथि उन उभयचरी जीव में होती है जिसके कारण अचानक से उनके शरीर बढ़ जाते हैं, तो इसी को मेटामॉर्फिस कहते हैं। आपने देखा होगा ना कुछ मेंढक छोटे छोटे हैं फिर एकदम से बढ़ जाते हैं टेडपोल से, है ना, तो यही कायांतरण है। तो मेटामॉर्फिज्म, मेटा का मतलब पूरी तरह से उनका रूप परिवर्तित हो जाता है ना। तो आपको ये देखो कुछ एग्जांपल दे देता हूँ और ये इस सेक्शन का लास्ट सेक्शन होगा। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, किसी जीव के लार्वा पता है जैसे मच्छरों में भी लार्वा होता है, अवस्था में वयस्क में रूपांतरित होना, उनका शरीर का एकदम बढ़ जाना, तो यही प्रक्रिया कायांतरित मेटामॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। तो लार्वा से कायांतरण हुआ और वयस्क बन गया, जैसे जीव कुछ एग्जांपल दिए, मेंढक से टेडपोल बन जाएगा, मेंढक से बड़ा मैग्नेट है ना, और घरेलू मक्खी से क्या बन जाती, कई बार आपने बड़ी मक्खी देखी हुई घरेलू मक्खी से मैगट। तो ये वाली बात यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि इनके शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है वो अचानक से उनके रूप को आकार को बदल देती है, बड़ा कर देती है, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मच्छर से बड़ा मच्छर है ना रिगुलर बन जाएगा, रिगुलर
तिलचट्टा जो है वो मेटामॉर्फिज्म के कारण निम्फ बन जाएगा, मक्खी या बी या बीटल जो है वो भृंगक जो है ग्रब बन जाता है, ग्रब है ना। और इसी तरह से जो रेशम के जो कीट हैं है ना, तितली है, वो कैटरपिलर के रूप में तब्दील हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग इस थायराइड से संबंधित जो रोग है उनके ऊपर और चर्चा कर लेते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण गेंगा रोग हो जाता है, गर्दन बहुत बढ़ जाती है, फूली हुई आँख के गोलक बाहर आ जाते हैं, तो ये सभी चीज़ हो जाती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की जब भी कमी होगी तो क्रिएटिनिज्म, जड़ मानवता मतलब बुद्धिहीनता आ जाएगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा बराबर नहीं बन पा रही, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा। और यदि यही कमी यदि वयस्क में हो जाएगी तो उसको मिक्सिडिमा रोग कहते हैं, और इसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म। मैंने भी क्या बोला, देखो जहाँ पर भी हाइपो शब्द आए ना, हाइपो का मतलब कम और थायरॉयडिज्म का मतलब कम, और हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हो जाएगा कि उसके शरीर में थायराइड की कमी हो गई, शरीर मोटा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो वयस्क में यदि थायराइड की कमी हो गई तो मिक्सिडिमा, बच्चे में यदि कमी हो गई तो क्रिएटिनिज्म रोग। क्रिएटिनिज्म रोग देखिए लिखा है, क्रिएटिनिज्म रोग जड़ मानवता जिसमें बच्चा का दिमाग का विकास नहीं हो पाता, देखिए लिखा है। ऐसे में बच्चे के शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चा कमज़ोर हो जाता है। और यदि थायरोक्सिन की ज़्यादा अधिकता हो जाए तो ग्रेव्स डी रोग हो जाता है ना। और एक और क्या है, एक्सोफ्लेथोमिक गोइटर, जिसमें देखो नेत्र गोलक का बढ़ना, आँख की पुतली का बाहर आ जाना है ना, और इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसमें क्या हो रहा है थायराइड ज़्यादा बन गया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है, शरीर दुबला पतला होगा। तो ये बात समझ में आ गई कमी और अधिकता से कौन कौन से रोग। तो क्रिएटिनिज्म और मिक्सिडिमा ये बच्चों में, ये बड़ों में, ग्रेव्स रोग और है ना एक्सोफ्लोथोमिक गोइटर जिसमें नेत्र के गोलक बाहर आ जाते हैं, और इससे पहले हमने ये तो घेंगा रोग तो आपको सबको पता ही है, गलगंड रोग जो है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, और इसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है ना। आप मुझे बताइए आयोडीन कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, जो आयोडीन है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमको नमक में भी मिलता है लेकिन बेसिकली हम लोग आयोडीन कहाँ से प्राप्त करते हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि, ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, थायराइड ग्रंथि है ना, जब इसमें से कई बार क्या होता है कि है ना, जो व्यक्ति है उसको थायराइडिज्म हो गया, मतलब कम थायराइड है, ज़्यादा थायराइड है, मान लीजिए कम थायराइड हो गया, तो जो टैबलेट डॉक्टर्स देते हैं ना, वो टैबलेट के कारण ही क्या होता है कि ये ग्रंथि खत्म होने लगती है, और इसीलिए इसको सेल्फ सुसाइडिंग ग्लैंड भी कहते हैं, अपने आप आत्महत्या करने लगती है, क्योंकि इसीलिए क्या है, और जिसको थायराइड हो जाता है ना उसकी ये गोलियां टैबलेट्स कभी हटती भी नहीं है। और नॉर्मली प्रेगनेंसी, नॉर्मली महिलाओं में जब वो गर्भावस्था में आती हैं उसके बाद में नॉर्मली महिलाओं में थायराइड रोग देखा जाता है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो इसीलिए हमको है ना खाने पीने वगैरह में सब कुछ शेड्यूल का ध्यान रखना चाहिए है ना, आयोडीन का प्रॉपर मात्रा लेनी चाहिए। और इसी इसको टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यदि आपके जीवन में उत्साह या ऊर्जा है ना, आपके जीवन में मेटाबॉलिज्म सही चल रहा है, जब आपके शरीर में जैव रासायनिक क्रिया ही प्रॉपर चलेंगी तभी तो आपके शरीर का पूरा शेड्यूल सही चलेगा और आपका क्रियाविधि सही चलेगी। देखिए बाहरी दुनिया से पहले हमारी आंतरिक दुनिया बड़ी आत्मसंतुष्ट चलनी चाहिए, और उसके लिए क्या है, मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए, और मेटाबॉलिज्म को समन्वित कौन करती है, थायराइड ग्रंथि। तो अभी समझ में आ गया इसको टेम्पो ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सेल्फ सुसाइडिंग ग्लैंड किसे कहते हैं और टेम्पो ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, तो ये बात समझ में आ गई है ना। लास्ट पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं, कभी कभी थायराइड के इलाज में काम में दी जाने वाली जो दवाई है ना वो खुद ही विष का, जहर का काम करती है, और इस प्रकार के रोग को हाशिमोटो रोग कहते हैं। तो हाशिमोटो रोग ज़्यादा जो है थायराइड की टैबलेट लेने से होता है। तो आपको मेरे हिसाब से जो है ना क्रिएटिनिज्म, ग्रेव्स डी रोग है ना, मिक्सिडिमा रोग, हाशिमोटो रोग, ये सभी के बारे में एकदम क्लियर हो गया हो, गलगंड रोग। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है पॉज करके रिपीट करके देखा करें, और अपने जो है ना आपको कोई भी चीज़ का सजेशन देना है वो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके दे सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।